तभी मैं सोचूं कि मैडम मुझे घर पर क्यों नहीं दिखी। अब आपसे बिना मिले तो मैं जा नहीं सकता था। और सबके सामने मैं आपसे कैसे मिलती? यहाँ अकेली हूँ, आपका इंतजार कर रही थी। क्या बोल कर रही घर पे सबको? कुछ नहीं, बोलना क्या है, वापस घर ही तो जाना है। सब वेट कर रहे हैं वहाँ पे, ढूंढ रहे थे तुम्हें। कोई बहाना बना लूंगी, आपकी वजह से कितना बुरा बनना पड़ता है मुझे। हाँ, बुरा बन के बुरा लग रहा है, गिल्टी फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो फिर आई क्यों यहाँ पे? मैंने तो नहीं बुलाया था। ओ, तो मैंने गलती की यहाँ आकर? गिल्टी फील हो रहा मतलब गलती किया होगा और क्या। झगड़ा करके जाने का मन बना लिया है आपने? बात ही तुमने ऐसी की तो मैं क्या करूँ। अरे पर मैं तो मजाक कर रही थी, आप सीरियस क्यों हो गए? किस मुसीबत में फंसा दिया आपने मुझे कुंवर साहब? मुसीबत लगती है तुम्हें ये? और नहीं तो क्या, आपकी इयररिंग किसी ने देख ली तो? कौन देखेगा दुर्गा, घर जाते ही तुम्हारी चेकिंग होगी क्या? यार तुम बिना कुछ भी बोलती हो। पानी बाई खतरनाक है। खतरनाक। दुर्गा सीरियल के आने वाले एपिसोड में हमें हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि कहानी में अब तक हमने देखा था कि किस तरीके से इतने लंबे समय से यहाँ पर हमारे अनुराग और दुर्गा जो हैं बेहद क्यूट मोमेंट शेयर कर रहे हैं, दोनों बेहद रोमांटिक होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अनुराग जो है वो दुर्गा को छोड़ना ही नहीं चाहता, और इसी के साथ कहानी में हमें देखने को मिलने वाला है कि वो मोमेंट आ गया है जब अब यहाँ पर अनुराग और दुर्गा को अलग होना होगा। जी हाँ, यहाँ पर अनुराग के कॉलेज के एग्जाम शुरू हो रहे हैं और इस वजह से यहाँ पर अनुराग को अपने कॉलेज वापस लौटना होगा, और इसी बीच यहाँ पर अनुराग और दुर्गा दोनों ही बेहद इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आगे कहानी में हमें देखने को मिलने वाला है कि महल में एंट्री होती है दुर्गा की माँ की, जहाँ पर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। जी हाँ, पहले तो यहाँ पर घर वालों में से कोई भी उन्हें नहीं पहचान पाता, और इसी के साथ आपको बता दूं कि दुर्गा की माँ की हालत जो है भी बेहद नाजुक है, उन्हें कुछ भी याद नहीं है, और कहीं ना कहीं उन्हें थोड़े बहुत फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उन्हें याद आ जाता है कि कुछ साल पहले उनकी बच्ची को छीन लिया गया था, और वो बच्ची जिसने छीनी थी वो कोई और नहीं बल्कि पानी बाई थी। अब जब पानी बाई उनके सामने आती हैं तो वो सारी बातें उनके सामने रखना शुरू कर देती हैं कि किस तरीके से उनकी बेटी को कुछ साल पहले छीन लिया गया था, जबरदस्ती छीना गया था। और अब यहाँ पर पानी बाई को रियलाइज हो जाता है कि औरत कोई और नहीं बल्कि दुर्गा की माँ है, और यहाँ पर तुरंत वो विक्रम को बुलाकर ये सारी बातें बताती है, जिसे देखने के बाद विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसी के साथ आपको बता दूं कि इस बार विक्रम और पानी बाई मिलकर दुर्गा की माँ को ठिकाने लगाने वाले हैं, और आपको बता दूं कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि विक्रम जो दुर्गा के खिलाफ साजिश रच रहा था उसे एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। आने वाले एपिसोड में ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस बार विक्रम के जाल में दुर्गा फंस जाएगी, या फिर दोबारा से हर बार की तरह इस बार कुंवर साहब अपनी दुर्गा को बचा लेंगे।